देश भर में कल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। वर्ष 1947 में 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इसी दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आकाशवाणी बिलासपुर में कल सक्ती जिले के केकराभाट गाँव में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कृषक कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम अधिशासी महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों की चर्चा भी की गई। आज लोक प्रसारक दिवस है और इस मौके पर सभी श्रोताओं को, दर्शकों को इस दिवस विशेष की शुभकामनाएं देता हूं। और लोक प्रसारक दिवस के अवसर पर आज हम केकराभाट आए, जो विकासखंड डबरा जिला सक्ती के अंतर्गत ये गांव है, और यहां पर आकर यहां के किसानों से, यहां के जनप्रतिनिधियों से हमने बात की। और हमारे यहां जो किसानों का कार्यक्रम होता है ग्राम सभा, उसमें उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गाँव का विकास किस तरह से हो रहा है, शासन प्रशासन का सहयोग किस तरह से मिल रहा है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और यहाँ के लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि सारे लोगों का सहयोग एकमत है और लोग गाँव का विकास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं यहाँ के सभी ग्रामवासियों को, और धन्यवाद है सभी श्रोताओं का आज के इस दिन विशेष पर। इस दौरान बिलासपुर आकाशवाणी द्वारा किस्सा मोर गांव के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी की गई। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के विचारों को शामिल किया गया। इस आधार पर बिलासपुर आकाशवाणी से जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है।